में कोई भी ऑप्शन लेने में एक है कि हमको ट्रेंड की जरूरत है, उस समय हमें ट्रेंड करीब 10 दिन से नहीं है, तो यहाँ पर भी इनका नुकसान होगा। तो अगर आपको मिल जाता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड मिसिंग है। एक्चुअली देखा जाए तो करीब 5 4 3 4 हफ्तों से 5 हफ्ते से साइडवेज जोन पर है, इसमें ट्रेंड मिसिंग है, तो कॉल लेके फायदा नहीं, नहीं पुट लेके फायदा। ओके okay. सर, एक रिसेंट लिस्टिंग है कुलजीत ने, वो ले लिया है टीवीएस सप्लाई चेन 230 पर 70 शेयर, टीवीएस सप्लाई चेन अभी लिस्ट हुई है 10-15 दिन पहले। ये आई थिंक ये मिल गया रिसेंट लिस्टिंग 228 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक लगता है मुझे इसका, बहुत बढ़िया एक्चुअली लिस्टिंग में, लिस्टिंग के बाद ब्रेकआउट मिला 210 के आसपास, जब तक हम 210 के ऊपर एक बाय मोड पर है तो मेरे का सपोर्ट। प्रीति झा ने लिया है 1500 शेयर सेंट्रल बैंक के 36 रुपए 3 पैसे में, 3 महीने का नजरिया। 3 महीने के नजरिए पे आई थिंक होल्ड अच्छा लगता है मुझे, इसे होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है सेंट्रल बैंक, एंटायर पीएसयू बास्केट अच्छा लगता है, सेंट्रल बैंक इन पर्टिकुलर यस होल्ड, स्टॉप लगाना है ये 44 का, कंटिन्यू होल्डिंग है। अच्छा, रेलवे शेयर में एक बार फिर से लोगों की दिलचस्पी आ रही है, और गुरजीत गुलाटी ने इरकॉन को होल्ड कर रहे हैं, 200 शेयर इनके पास हैं 45 रुपए वाले प्राइस में। क्या इनको मुनाफा वसूल लेना चाहिए या अभी बनाए रखें इसमें निवेश अपना? अब देखिए जैसे मैंने आई थिंक ये डिस्कस हमने लास्ट वीक किया था लास्ट प्रोग्राम में कि काफी स्ट्रेच हो चुका है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, तो करेक्शन साइडवेज होना चाहिए या फिर प्राइस वाइज दोनों, अब वो करेक्टिव मोड पर है, स्ट्रक्चर वीक नहीं है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है तो होल्ड है, अगर आप ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग, और थोड़ा साइडवेज मूव मिलता है क्योंकि इसको थोड़ा 140 तक आना पड़ेगा, या मेरे ख्याल से थोड़ा अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है और भी। इनका तो बहुत नीचे का प्राइस है 45 रुपए का, तो थोड़ा सा ले सकते हैं प्रॉफिट, ये अन स्ट्रेच होने से काफ़ी होगा। राकेश मिश्रा का सवाल है बजाज हिंदुस्तान पर और ओरिएंट ग्रीन पावर पर, 3 से 6 महीने में जाए। आजकल पहले बजाज हिंदुस्तान ये आजकल शुगर वाले स्टॉक्स में बड़ी हरकत रहती है, छोटे बड़े सारे शेयर्स में अच्छी तेजी है। फंडामेंटली न्यूज़ ये है कि शायद इस शुगर सीजन में उत्पादन कम हो सकता है, तो उसकी वजह से स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन बजाज हिंदुस्तान क्या करना चाहिए सर 3 से 6 महीने के लिए इनको? बाय मोड पर है, अब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यू होल्डिंग है, सपोर्ट है करीब 24 के आसपास, मेरे ख्याल से साइडवेज में गया फिर आपको मिलना चाहिए, कहीं कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती, तो बजाज हिंदुस्तान होल्ड। ओके, बजाज हिंदुस्तान होल्ड करना चाहिए। एक ट्विटर हैंडल है करंट अफेयर्स का, और इन्होंने सवाल पूछा वेदांता में 320 रुपये पे, वेदांता 320 @ 347, 347 पे 320, ये लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहिए वेदांता में, थोड़ा नीचे इनके प्राइस से भी। काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड, तो आप यहाँ पर तो शॉर्ट आपने लिया है, कॉस्ट आपकी हाई है तो होल्ड कर सकते हैं, आपको अगर मिलता है तो 270 में रेसिस्टेंस आएगा, उधर आप फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, होल्ड करना चाहिए। लंबा नजरिया है तो वेदांता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी काफी करेक्ट हो ही चुका है ये। अगला सवाल है चोला फाइनेंस पे, और ये भेजा है अरविंद गोयल ने, और इनका सवाल ये है कि चोला फाइनेंस, इन्होंने 1145 पर 50 शेयर लिए हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस शेयर? अच्छा लगता है चोला फाइनेंस, होल्ड करना चाहिए, एक ब्रेकआउट मिला है 22 जोन पर, करेक्शन आते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अप मूव ऑन, आपको स्टॉप लगाना है तो 1160 का स्टॉप करिए, कंटिन्यू होल्डिंग है चोला फाइनेंस, आप ट्रेड कराए 1224 पर, इट्स होल्ड। ओके, गौरव जोशी जीएचसीएल का व्यू जानना चाहते हैं 2-3 महीने के लिए, और अपोलो हॉस्पिटल इन्होंने 5100 पर आफ्टर प्रमोटर रिड्यूस प्लेस शेयर्स, जीएचसीएल और अपोलो होटल अपोलो हॉस्पिटल्स में सर, गुजरात सीड फर्टिलाइजर राइट, गुजरात हैवी केमिकल्स ओ जीएचसीएल, जीएचसीएल या वेरी गुड जीएचसीएल, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाता था, जीएचसीएल मिल गया मुझे, आई थिंक इट्स अ होल्ड, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपू ऑन है जीएचसीएल में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 660 के आसपास 620 के आसपास है, मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्डिंग है, अपू मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से होल्ड। और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल, उन्होंने पूछा अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया स्टॉक है, मुझे अच्छा लगा था आज सुबह, तो आई थिंक इज इन बाय मोड, आधे दिन में 5400 भी देखेंगे, मैटर ऑफ टाइम, अपडेट कर रहा है 5100 के आसपास स्टॉक होना चाहिए 5000 का, कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके, इसको कंटिन्यू होल्ड करिए। अभिषेक धोत्रे, अदानी इंटरप्राइजेस के 10 शेयर हैं 2558 पर, 4 से 5 महीने क्या इनको होल्ड करना चाहिए नेक्स्ट 4-5 एक साल तक होल्ड करना चाहिए, 4 5 महीना कम है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद और आपको मिलना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, ट्रेड करें 2554, मेरा टारगेट है 3500 का, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल, लेकिन अल्टीमेटली वहां तक जाएगा, पहला 3000 फिर 3500 पॉसिबल है, लेकिन वक्त लगेगा बहुत, वक्त लगेगा, होल्ड करिए 3-4-5 महीने के लिए आप जो राय चाह रहे हैं उसको आप होल्ड करके रखिए। मोहित का सवाल लेते हैं फटाफट, डाबर में इन्होंने फ्यूचर्स लिया है 670 पर, कल लिया था, क्या राय बनती है सर डाबर में? फ्यूचर लिया तो होल्ड कीजिए, 560 का स्टॉप लगाइए, कंटिन्यू होल्डिंग है, 575 585 चला जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पर, बाय मोड पर है, अब थोड़ा साइडवेज जोन है लेकिन बाय में वीकनेस नहीं है स्टॉक में, हाँ अगर ये कॉल में लिया होता तो नुकसान नहीं जाते क्योंकि ट्रेंड मिसिंग है फिलहाल, इस पर ट्रेंड की जरूरत है, नेक्स्ट वीक में शायद आ जाएगा ट्रेंड। ओके, छोटे बैंकों में सर लोगों की बड़ी दिलचस्पी थी, सरकारी वाले छोटे बैंकों पे, और स्वाति जायसवाल ने इंडियन ओवरसीज बैंक 28 पर 280 शेयर्स, 28 पर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, होल्ड करना चाहिए, जो 28 में लिया उसका 36 का स्टॉप लगाई और कंटिन्यू होल्डिंग है, तो ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक को, मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए इंडियन ओवरसीज बैंक बिल्कुल, तो इट्स अ होल्ड, पॉसिबली 50 तक भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम, खाली चेस कीजिए अपने स्टॉप लॉस को, ट्रेल करते रहिए इंडियन ओवरसीज बैंक। तो गावा सर, छोटे सरकारी बैंकों में सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? एक किसी ने यूको बैंक पे भी पूछ लिया कि क्या एंट्री पॉइंट है ये? यूको बैंक में एंट्री पॉइंट बन सकती है, ब्रेकआउट मिला है करीब 30 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 40 के आसपास, स्टॉप लगाइए 36 का और इसको छोड़ दीजिए, 52 to 60 एक जोन है वहां तक जा सकता है, सरकारी सभी बैंक में बहुत अच्छा बॉटम आउट पैटर्न बना है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है, और मोदी साहब ने कहा भी ना कि सरकारी बैंक सरकारी स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए, या सरकारी पीएसयू, उसके बाद से बहुत बड़ी रैली भी बनी है और इसीलिए बहुत लोगों की दिलचस्पी है। एक शेयर है सर रिलैक्सो, सौरभ सिंह जानना चाहते हैं कि रिलैक्सो में क्या ये खरीदारी करें
और एशियन पेंट में मीडियम टर्म के लिए रिलैक्सो एक बहुत लंबे समय से एक ही इसी लेवल पर, तो देखिए 900 भी तोड़ रहा है आज, बहुत लंबा समय हो गया सर इसमें बिल्कुल कोई करंट नहीं आ रहा है, और एशियन पेंट में भी थोड़ा दबाव, तो क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए रिलैक्सो ने 1000 के आसपास एक रेसिस्टेंस देखा है, वो एक चांस था 3 डिजिट टू 4 डिजिट जाने का, नहीं हुआ, साइन ऑफ वीकनेस, अब उसके बाद गिरावट आ रही है, तो अगर किसी मुझे लगता है और भी गिरावट बाकी है, क्वाइट पॉसिबल पहला रहेगा पॉसिबल, मुझे तो 600 तक आएगा, लेकिन थोड़ा सपोर्ट है जो बनता है यहाँ पर, संभल सकता है वो 750 का है, लेकिन मुझे लगता है वो 750 भी तोड़ देगा और 700 की 600 की तरफ आ सकता है रिलैक्सो, तो मुझे थोड़ा वीक लग रहा था रिलैक्सो। अगर ए चंदेल जी हैं, ये HDFC बैंक होल्ड करें 30 शेयर, 300 एक कन्वर्टेड फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, शुड आई कंटिन्यू फॉर 1 or 2 मोर ईयर्स, इन्होंने ये ले रखा है सर पंजाब वाला बेच के, तो इसको ये होल्ड करें, गावा सर का बहुत फेवरेट शेयर है ये, मेरा स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरी कॉस्ट जीरो है, तो ये स्टॉक मैं लाइफ टाइम भी रखने वाला, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जरूर, वैसे अदरवाइज मैं इसको लाइफ टाइम रखने वाला, तो मैं 3, 4, 6 महीने के साथ क्या बताऊँ, ये पड़ा रहे मुझे जरूरत नहीं पैसे की, और ये स्टॉक अच्छा सेफ स्टॉक है। हाँ सेफ स्टॉक है, और डिस्क्लोजर भी है गावा जी की होल्डिंग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और भी एक राय किसी से ले लीजिएगा और इसको होल्ड करने की सलाह। गिरिराज सिंह ने तो बहुत सारे सर ले रही है, बहुत सारे ट्रेड कर रही है, HDFC बैंक अभी हम लोगों ने बातचीत कर लिया, लेकिन इनका कॉल का है 1700 की कॉल ली इन्होंने, बजाज फिंसर में 1600 की कॉल ली है, ITC में 465 की कॉल ली है, अभी HDFC बैंक ने 1700 की कॉल ली, आउट ऑफ द मनी, डीप ऑर्डर, क्या जरूरत है, वो अगर 1700 भी जाएगा तब तक उनके डिक्की होता रहेगा, अगर ये कॉल अभी लेते हैं HDFC ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ATM आज 650 के आसपास की कॉल लेती है, 60 के लेते हैं तो भी मुनाफा मिलता है, दूर करने से आपका कॉस्ट कम हो जाता है, दूर नहीं मुनाफा मिलता है, थीटा डीके होता है एक, डेल्टा कम होता है आपके फेवर में नहीं है, ऊपर जाएगा 100 रुपया तो आपको शायद मिलेगा 20 रुपया, क्यों करते हो ऐसा, डीप ऑर्डर मनी, वो हेज के लिए ठीक है लेकिन वैसे नहीं। और बजाज फिंसर की 1600 की कॉल कौन सी, बजाज फिंसर, बजाज फिंसर, हाँ वो मैं चेक कर लेता हूँ बजाज फिंसर का, और एक मिनट क्यों कर गया, बजाज फिंसर, यस बजाज फिंसर 1600 की कॉल, यहाँ भी 1550 भी चल रहा है, 1600 की कॉल ही है आउट ऑफ द मनी, क्या जरूरत पड़ी है इनको, यह नुकसान होगा जो भी आप हैं, मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है, लेकिन आपका नुकसान होता रहेगा इसे, आप आपका प्राइस फेवर में जाएगा तो भी मजा नहीं आएगा, क्यों करते हो ऐसा, उतना पैसा अपनी खुद खर्च, खुद पर खर्चा कर लो, फैमिली पर खर्चा कर लो, लॉस करने के सिवाय कम से कम, अरे फटाला जरा मजा आएगा। एक और इनको डांट पड़ेगी, बोल रहा ITC 465 की कॉल, ITC 465 आप ट्रेड कर रहे हैं, ITC 449 ये ठीक है, 465 थोड़ा नियर, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है ट्रेंड, इसलिए ITC को भी नहीं, कभी कभी स्लो चलता है ITC, तो हमको चाहिए हाई बीटा स्टॉक ना कि लो बीटा स्टॉक, तो यहाँ पर भी साइडवेज जोन है, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। हाँ ये ऑप्शन अगर आप लेना, थोड़ा सा मूवमेंट तेजी से होना चाहिए। पिंकू कुमार इंडस टावर पे 100 शेयर लेके बैठे हुए हैं, 149 पर, होल्ड करें या निकल जाएं इसमें से? 149 अच्छा लगता है मुझे, अब इस पर थोड़ा वक्त दीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 210 से 225 का, वहां पे चला गया तो फ्रेश लुक लीजिए, मेरे ख्याल से इंडस टावर में जो गिरावट आई है और जो नीचे लोअर लेवल जो सेटअप है वो संकेत दे रहा है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, और कभी कभी वक्त लगता है, तो मेरे ख्याल से इंडस टावर में लगता है शुरू हुआ है, कंटिन्यू होल्डिंग है 210, 215, 220 पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड। ओके फिलहाल इसमें होल्ड करिए, इंडस टावर में 187 रुपए इस वक्त ट्रेड करा, लगभग 2% ऊपर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, लौट के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ये 440 के भाव पर, मतलब स्ट्राइक प्राइस पर कॉल लिया है 2 लॉट 14 रुपए 30 पैसे पर, और SRF का लिया है 2,2400 रुपए वाला कॉल 55 रुपए, गवा सर क्या करें, बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी का कॉल लिया है सही लिया, लेकिन देखिए मेरा हाथ देखिएगा, ये चल गया भाग गया, अब उन्होंने यहाँ लिया, अब यहाँ ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज चलेगा या नीचे आएगा, आपका लॉस होगा, होना चाहिए जब कॉन्ट्रेक्शन से एक्सपेंशन में शुरू हुआ, जब भाग रहा था, भागने के बाद लेके फायदा किया आपने, लिया भागने के बाद और भागेगा, ये आपकी गलत थी वहाँ, तो एंट्री गलत थी, लेकिन ATM आपने सही लिया तो लॉस निकल, मैं होता तो निकल, और SRF में दूसरा कौन सा बताया बलरामपुर चीनी का, SRF नीरज जी, SRF आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, SRF सर स्क्रीन पे देखिए सर, SRF एक मिनट, SRF में देखता हूँ, कभी कभी आवाज ब्रेक हो जाता है, SRF मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर अपमूव मिलना चाहिए, ट्रेड करा 2397 2450 भी चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा लेकिन जा सकता है, और कभी कभी SRF में बड़ा अपमूव भी मिल जाता है, तो लकी है तो बड़ा अपमूव मिलेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके ये रहा बन रही है, प्रतिभा गुप्ता ग्रेफाइट इंडिया 106 शेयर 450 पे, मुझे ध्यान है लास्ट ईयर की बात है, बहुत अच्छा दौड़ा था, उसके बाद फिर गिरावट आई, अब अपमूव फिर शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 375 में ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 506 के आसपास, 600 675 ये जोन है वहां तक जाने की संभावना है, ग्रेफाइट इंडिया होल्ड, इसको होल्ड करना चाहिए। गुंजन शर्मा के पास 50 शेयर्स हैं बंधन बैंक के 375 पे लिए हैं, और 50 शेयर हैं भारत डायनेमिक्स के 418 पर, 3 से 6 महीने होल्ड कर सकती है, अच्छा है होल्ड कर सकते हैं बंधन बैंक, तो होल्ड कीजिए, मुझे लगता है ये प्रोसेस ऑफ गोइंग अप जो ट्रेंड है अब शुरू है बंधन बैंक, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, ट्रेड करा है 246 पर, 230 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट करीब 350 है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, तो अच्छा आपको मिलेगा लेकिन वक्त लगेगा, तो बंधन बैंक इट्स अ होल्ड। दूसरा कौन सा बताया आपने, दूसरा इनका है बंधन बैंक के अलावा भारत डायनेमिक्स, या BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा भाग गया है, थोड़ा डिप मिलेगा लेकिन सपोर्ट के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहा है, 1000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यू होल्डिंग। ओके राजीव कुमार देहरादून से लिख रहे हैं, और इनके पास है शांति गियर्स के 175 शेयर 102 पर, और BSC के 662 पर 125 शेयर, बहुत सारे रखे हैं, सोनाटा 527 शेयर, शांति गियर्स और BSC और सोनाटा
शांति के 100 मिली है, 480 पे है, मतलब करेक्ट 5 टाइम्स तो हो गया, लेकिन अब भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें डिप्स मिलती है, एब्जॉर्ब हो रही है, कंटिन्यू होल्डिंग है शांति का, कहां से जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन बढ़िया स्टॉक है, आपको होल्ड करना चाहिए। बीएससी में तो मुझे क्या बोलते हैं मणिकर्ण साइड पर जाना पड़ेगा, मैं उसका चार्ट निकाल लेता हूँ। और दूसरा कौन सा बताया आपने, सोनाटा सॉफ्टवेयर, कौन सा सोनाटा सॉफ्टवेयर, हाँ सोनाटा, मैं सोनाटा देखता हूँ, मैं सोनाटा में सॉफ्टवेयर में यस, यहाँ पर स्टॉक बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग है, 1082 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा अगर डिप मिलेगा नथिंग टू वरी, 1000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मेरे ख्याल से, इसे होल्ड। और बीएससी को हमने लास्ट वीक बात की थी, ट्रेड कर रहा है 1289 के आसपास, यहाँ पर अगर डिप मिलती है बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म बीएससी होल्ड। वेरी नाइस, तीनों शेयर राजीव जी के जो है बहुत बढ़िया है और तीनों में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ये आप ध्यान करिए, होल्ड कर सकते हैं अभी भी। अच्छा ये अच्छा कि राजीव जी ने अपने शहर का नाम भी लिखे जैसे हमें पता चले कि कहाँ से है आप, तो ये देहरादून से थे राजीव जी। एक सवाल और प्रवीण का, ये सवाल है कि क्या वो जुबिलेंट फूड में SIP कर सकते हैं? ऐसे भी करना है जुबिलेंट फूड पर, लो लेवल्स पर है जुबिलेंट फूड, करना है तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 520 पर ट्रेड कर रहा है, लो लेवल्स करीब 450 के आसपास थे जहां से बाउंस मिला है, टाइम लगेगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड यस ऐसे भी करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, लेमन ट्री NVK नरेंद्र कत्याल, 100 शेयर है, 130 पर, अभी क्या 130 मुझे क्या लेमन ट्री दिखाई दे रहा है, लेमन ट्री 124 है अभी, एक साल के लिए लेमन ट्री कैसा लगता है सर आपको? मुझे चार सेक्टर तो बढ़िया लगता है, न्यू हाई पर चल रहा है 124, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 115 के लिए, एक साल के लिए रखना चाहिए, डिस मिलती है तो एडवांटेज है, यस इट्स बायबल। ओके तो लेमन ट्री में भी आप बाइक कर सकते हैं। तो गावा सर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मदद करने के लिए, बहुत सारे सवाल हमने कोशिश की एड्रेस करने की।